एम ग्लैड कि आप इस वीडियो तक पहुंच पाए क्योंकि यार आज के इस वीडियो के मदद से आप अपने लिए 2025 एग्जाम में 650 मार्क्स तक लॉक कर सकते हैं वेल यस गाइस आज के इस सेशन में आकांक्षा मैम आपको बताने वाली हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और टुगेदर ये तीनों सब्जेक्ट्स में कौन-कौन से वो चैप्टर्स हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यानी कि जो PCB के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाते हैं वेल देन इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है क्योंकि हमारा यार एम है

अगर आपने इनमें से अभी जितने भी चैप्टर्स कवर किए क्या वाकई आपने उनको इन डेप्थ इन डिटेल कवर किया है क्या उन चैप्टर से आपने एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किए क्या आपने यू नो आर द यूनिट्स जो आपका ज्यादा टेंशन ज्यादा फोकस डिजर्व करते हैं जहां से आपने भर भर कर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और शायद बाकी चैप्टर्स के कम्पेरिजन में थोड़ा ज्यादा रिविजन करना है वेल well देन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे फेवरेट केमिस्ट्री के साथ तो देखिए केमिस्ट्री में आर द चैप्टर्स जहां से आप आसानी से तीन से ज्यादा क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब तीन से ज्यादा का मतलब पांच भी हो सकता है और यार मिनिमम थ्री क्वेश्चन दैट मींस यहां से आने ही वाले हैं जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग

एंड एफ ब्लॉक देन हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बेटा एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स एल्डिहाइड, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं ठीक है सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं तो ये थे वो चैप्टर्स तो, तो आएंगे ही आएंगे जैसे कि थर्मोडाइनमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम हाइड्रोकार्बन से एक अच्छा चैप्टर है तीन क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तभी मैंने लिखा है टू प्लस मतलब मिनिमम टू है टू तो आएगा ही अब उसके ज्यादा उससे ज्यादा मतलब प्लस One, two, आप कर कर चल सकते हो देन सोल्यूशन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री केमिकल केमेस्ट्री केमिकलोलोर उसके बाद बात करेंगे यार आपके फेवरेट बायोलॉजी की तो देखिए बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी देन प्लांट फिजियोलॉजी जेनेटिक्स एवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल इकोलॉजी रिप्रोडक्शन मेक श्योर कीजिएगा इंश्योर कीजिएगा कि आप चैप्टर्स को बार 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 रिवाइज करो स्पेशली बायोलॉजी के लिए यू हैव टू इंश्योर कि यार इन चैप्टर्स के आपने एनसीईआरटी एकदम बाय हार्ट किया मतलब स्पेशली फोकस कीजिएगा कि स्पेशली इन चैप्टर्स में आपने एनसीईआरटी की एक-एक लाइन से जो क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हो सकता है वो बढ़िया से आपने कवर किया हो इसी के साथ बेटा बात करें अगर हम फिजिक्स की तो देखिए फिजिक्स में दीज़ आर द यूनिट्स ईएम वेव्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यूनिट एंड मेजरमेंट एटम्स एंड न्यूक्लियर ड्यूअल नेचर करंट इलेक्ट्रिसिटी सेमी कंडक्टर देन रे ऑप्टिक्स इसी के साथ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वर्क पार एनर्जी ये पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फिजिक्स में आपको इंश्योर करना है कि आप पर्टिकुलरली इन चैप्टर से तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर देख रहे हो बीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर तरह का जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया इंपॉर्टेंट सब कुछ है But, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है, है, है या फिर जहां पर कॉन्टेंट इतना डाइवर्स और वास्ट है कि वहां से स्कोप बहुत ज्यादा बनता है क्वेश्चन पूछे जाने का Hence, आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप इनको कवर कर रहे हैं तो तो यार मल्टीपल टाइम्स इनका रिवीजन होना चाहिए प्रॉपर एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ से करें एंड देन हम सब जानते हैं कि यार हमारा सिलेक्शन इंश्योर नहीं हो सकता है जब तक कि हम एक बढ़िया टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे एक ऐसा स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज जो कि एब्सोल्यूटली यू नो एनसीआर पैटर्न पर बेस्ड हो जो कि एक नीट एस्पिरेंट के लिए बनाया गया हो जिसमें कहीं से कहीं तक कुछ आउट ऑफ एनसीआर या फिर एरर्स आपको देखने के लिए ना मिले और सही लेवल ऑफ यू नो डिफिकल्टी प्रोपोर्शन डिफिकल्टी रेशियो जिसमें सही रखा जाए तो बेसिकली वी हैव दिस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बायो वेरी ऑन आकांक्षा मैम यार यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बियोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट के लिए आपकी ये टेस्ट सीरीज है जिसमें कि पहला टेस्ट स्टार्ट हो रहा है ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेंबर से हजारों हजारों बच्चे इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे

फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलता है पार्ट टेस्ट भी मिलते हैं और इनिशियली आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे होंगे सिलेबस के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो नहीं तो जो मैंने लिंक दिया है ना वहां पर जाकर आप पूरा जो है ब्रोशर वगैरह डाउनलोड कर, कर बाकी भी सारी डिटेल्स कवर कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में तो बेसिकली जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा बेटा कोड लगाना मत भूलना कहीं आप वन नाइन नाइन एट में लेकर चले जाए सो आई वुड वॉन्ट कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सो मेक श्योर दैट यू आर अपलाइंग द कोड एट द सेम टाइम जब आप थोड़ा स्क्रोल डाउन करोगे ना तो यहाँ पर देखो आप स्केड्यूल भी चेक कर सकते हो सिलेबस भी और साथ साथ भी डाउनलोड कर सकते हो जहां पर किस दिन कौन सा टेस्ट होने वाला है वो सारी ही डिटेल्स होंगी एंड देन वी हैव आइकॉनिक मेगा सेल वीक रनिंग जहां पर अभी फिफ्टी परसेंट ऑफ मिल रहा है आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर प्लस उसके साथ फ्लैश कार्ड मिल रहे हैं फ्लैश कार्ड पॉकेट साइज कार्ड है जिसके हेल्प से आप पूरा रिविजन अपना आसानी से कर सकते हो यू नो लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत बढ़िया रिसोर्स और उसी के साथ क्यू एफ टी जो की प्रीमियम बुकलेट सेट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए जहां पर आपको तीनों ही सब्जेक्ट के लिए बेस्ट ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं आई मीन ऐसे क्वेश्चन विच द टॉप एडुकेटर्स एंड ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की प्रोबेबिलिटी इस साल बनती है सो so, आप जो है अभी या आपके पास ये मौका है कि आइकॉनिक के साथ तुम्हें फ्री ही मिल रहा है कमेंट सेक्शन में लिंक है कोड यूज कीजिएगा ए के लाइव और आप जुड़ जाते हैं आपकी फेवरेट टीम टीम टाइटन्स के साथ जहां पूरी केमिस्ट्री मैं कवर कर रही होगी और मेरे साथ आपके फेवरेट एडिकेटर्स फॉर जो है फिजिक्स एंड बायोलॉजी और इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया क्या आप टेस्ट सीरीज के बिना आप सिलेक्शन इंश्योर नहीं कर सकते और इसीलिए मैंने ये कोशिश की है कि मैं यार इसमें यू नो कंट्रीब्यूट कर पाऊं कि हमारी जो प्रेपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है और हम उसको और बेहतर बना पाए है ना तो मेक श्योर आर गेटिंग योर सेल्फ इनरोल्ड इनफैक्ट अगर आप चाहेंगे कि मैम केमिस्ट्री के सारे पेपर्स का सोल्यूशन आप ही करा दें तो हम वो भी कर लेंगे है ना बट देन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जितने चैप्टर्स की लिस्ट मैंने शेयर की अगर आप उनमें से चैप्टर्स कवर कर चुके हैं तो एग्जैक्टली exactly आपने कितने चैप्टर्स कवर किए कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए और इसी के साथ क्या आपने उनके लिए यू नो सारे नोट्स आपके कंप्लीट है आपने बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए क्या आपने उन चैप्टर्स की एनसीईआरटी कवर किए क्या जितनी इन चैप्टर्स की वैल्यू है क्या उसी प्रोपोर्शन में आपने वहां पर अपना टाइम एफर्ट इन्वेस्ट किया है क्या उतने बढ़िया से आपको ये चैप्टर्स आते हैं एक बारी से इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा और बताइएगा मुझे इन द कॉमेंट सेक्शन बाकी भी अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कोई भी दिक्कत है तो भी लेटर कांक्षा मैम नो एंड मैम जो है विल कम अप विद द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन तो बिना हिटकिट आए आप खुद को एक्सप्रेस कीजिए इन द कॉमेंट सेक्शन दैट वॉज ऑल फॉर टूडे सी यू द नेक्स्ट टाइम गुड लक एंड टेक केयर